तू तो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, यूएस में रह रहा है, अच्छे पैसे भी कमा रहा होगा, अच्छी गाड़ी भी होगी, बट मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मेरी लाइफ इतनी बेकार चल रही है। हमारी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स कंपैरिजन की वजह से आती हैं। अब कंपैरिजन भी दो तरीके का होता है, एक वो जिसमें आप खुद को कंपेयर करते हो दूसरों से और जेलस फील करते हो, जो कि मेरे साथ भी हुआ था कॉलेज के बाद, जब सब दोस्तों की जॉब लग गई थी और मैं बैठा हुआ था घर ये सोचकर कि मुंबई जाऊंगा और एक्टर बनूंगा। मैंने उस टाइम यही नोटिस किया कि जेलसी के चक्कर में हम वो भूल जाते हैं जो काम हमने खुद करना है, जो एफर्ट मुझे खुद की स्किल डेवलप में करने चाहिए वो टाइम जो है वो जेलसी में जा रहा होता है। फिर मैंने लॉजिकली सोचा कि जिन लोगों की जॉब अच्छी लग गई है उन्होंने ज़्यादा एफर्ट किया उस चीज़ के लिए जब मैं घर बैठा हुआ था। दूसरे तरह का कंपैरिजन होता है जिसमें हम खुद को दूसरों से कंपेयर करके इंस्पिरेशन लेते हैं और खुद पे ट्राई करते हैं कि एनालाइज करें कि उन्होंने क्या चीज़ अच्छी करी जो आज वो जॉब कर रहे हैं। तो हमें खुद का खुद से कंपैरिजन करना चाहिए, ना कि जेलसी करनी चाहिए, और खुद को कल से बेटर बनाना चाहिए।